अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है रमज़ान चल रहा है, मैं उसी हिसाब से आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, क्रीमी सैलड। ठीक है, तो हम ये बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास हैं जी ये 3-4 सेब थे, ये खजूरें हैं मेरे पास, ये 1 कप जितने बॉयल चने हैं, ये मैक्रोनी है, और ये मेरे पास केले हैं, ये टिन है मेरे पास कॉकटेल का, और ये किशमिश है। अच्छा, ये क्रीम है, दही है और मायोनीज़ है। हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके अपना अच्छा सा एक सैलड बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये सेब और ये खजूरें डाल दी इसमें, ठीक हो गया। और फिर हमने ये चने डाल दिए इसमें, और ये हमने मैक्रोनी डाल दी, और ये हमने इसमें केले डाल दिए, और ये जूस के साथ ही हम ये कॉकटेल डाल देंगे इसमें सारा का सारा, ठीक हो गया। और ये हमने किशमिश डाल दी इसमें, और अब हम इन्हें कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद हम एक इनकी सॉस तैयार करेंगे, वो हम इसमें डालेंगे। ये हमने सब चीज़ें कर ली हैं मिक्स अच्छी तरह से। अब मेरे पास है जी ये दही, क्रीम और ये, तो मैं इन सब चीज़ों को एक बाउल में से शिफ्ट कर दूँगी। ये मैंने डाल दी दही, ये 1 कप जितनी दही होगी, और ये इसमें चली गई मायोनीज, ये 1/2 कप जितनी है, और इसमें पूरा 1 पैकेट हम क्रीम का डाल देंगे। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, मेरे पास ऑलपर की है, आप चाहें तो जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं इसमें, ठीक हो गया। जी ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून जितनी चीनी, अच्छा 1/2 टीस्पून जितना है नमक, और 1 टीस्पून जितना है मेरे पास ब्लैक पेपर। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि मायोनीज़ में ऑलरेडी नमक होता है, फिर इसका ना नमक ज़्यादा हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमें लगेगा कि कम है तो हम और चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं। हम इनको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। जी ये अच्छी तरह से हो गया मिक्स, तो अब हम इसे क्या करेंगे, उठा के अपने सैलेड में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे कर लेंगे मिक्स। हम ये हम इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं अब मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसे निकालते हैं बाउल में। बाउल में निकालने के बाद हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में। अच्छा, फ्रीज़र में रखने से ये होगा, इसमें जो हमने खजूरें और किशमिश डाली है ना, वो सख्त हो जाएंगे, ठीक है। सख्त ठंडे होने के बाद वो सख्त हो जाएगी, और उनका इतना मज़े का टेस्ट आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी ये मैंने बाउल में निकाल दिया। अच्छा, मेरे पास है यहाँ पर कटे हुए बादाम, हम ये वो थोड़े से उसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। और जो टिन पैक था उसमें थे चेरीज, मैंने वो निकाल दी थी, हम ये लगा देंगे इसके ऊपर। जी ये हमारा क्रीमी सा सैलेड हो गया बिल्कुल तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ऐसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान।